सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड भाई स्ट्रेंजर अपडेट के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग बात करते हैं भाई जो वीकली अपडेट निकल कर आती है मूवीज की, सीरीज की। एंड भाई आप लोग भी काफी तगड़ा सपोर्ट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आप लोग के पास लाइक कोई अपडेट्स हैं, आप लोग मेरे को सेंड करना चाहते हो, तो भाई इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को सेंड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को लाइक ये वीडियो अच्छा लगता है, देन वीडियो को लाइक कर देना, चलो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना, चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं भाई अपडेट नंबर 1 की, तो निकल कर आ रही स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर की तरफ से। एंड भाई इसके ऊपर जितनी भी अपडेट थी मैंने अपने पिछले अपडेट वीडियो में कवर करिए। एंड मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया भी था कि भाई इसका जो ट्रेलर है वो NBA के मैचेस के साथ रिलीज हो सकता है, मतलब कि 8 से 22 जुलाई के बीच में आप लोग को स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। बट अभी इसके ऊपर भाई लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आई है कि अगर ब्लैक विडो मूवी थिएटर्स में लगती है, जो कि भाई इंडिया में तो नहीं लगेगी बिकॉज इंडिया में थिएटर्स ओपन नहीं है, लेकिन जैसे USA में रिलीज होती है वहां पर अगर लगती है ब्लैक विडो मूवी थिएटर्स में, तो वहां पर आप लोग को स्पाइडरमैन का जो ट्रेलर है वो स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। बट भाई इसके ऊपर काफी ज्यादा लाइक मिक्स रिस्पॉन्स निकल गया है, मतलब कि कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग भाई ट्रेलर लग सकता है ब्लैक विडो मूवी के साथ, एंड कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग भाई ट्रेलर नहीं लग सकता है। तो 50-50 चांसेस है कि अगर ब्लैक विडो मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो भाई आपको स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ट्रेलर है वो देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लोग लाइक इंडिया से हो देन आप लोग को भाई काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, मतलब कि जुलाई के मिड तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज भाई काफी कम चांसेस है कि ब्लैक विडो मूवी इंडिया में थिएटर में रिलीज हो। एंड मैंने इसके ऊपर भाई डिटेल में वीडियो कवर किया है, आप लोग आई बटन में देख सकते हो। सो बात करते हैं अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रही मनी हाइस्ट वेब सीरीज के सीजन 5 के ट्रेलर की तरफ से। अगर आप लोग लाइक इस सीरीज के सीजन 5 का वेट कर रहे थे देन आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोग को इस सीरीज का जो ट्रेलर है सीजन 5 का वो देखने को मिल सकता है। एंड भाई आने वाले वीक्स में आप लोग को इस चीज के सीजन 5 की कुछ पिक्चर्स एंड पोस्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। प्लस भाई इस चीज के जो डबिंग का वर्क है वो भाई ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मतलब कि ये सीरीज आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेगी, उसमें भाई कोई भी लाइक डाउट नहीं है। तो आप लोग बताना कि आप लोग इस चीज के सीजन 5 के लिए कितना ज्यादा वेट करो, बाकी मेरे को लाइक जो भी अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के इंडिया रिलीज को लेकर। आप लोग को बताया भाई इस मूवी को आगे पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज इंडिया में अभी जो थिएटर्स थे वो ओपन नहीं हुए थे, एंड इसी वजह से ब्लैक विडो मूवी भी पोस्टपोन हुई है। एंड भाई अभी जो लेटेस्ट अपडेट प्लस रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भाई फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आप लोग को इंडिया में लाइक थिएटर्स में अगस्त के मंथ तक देखने को मिल सकती है, अगर भाई सिनेमास फुल कैपेसिटी पर ओपन हो जाते हैं एंड कोई भी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज थर्ड वेव आने के चांसेस थे। तो भाई अगर वैसा कुछ होगा तो भाई फिर से ये डिले होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता देन भाई अगस्त के मंथ तक आप लोग को फास्ट एंड फ्यूरियस 9 इंडिया में थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। आप लोग बताना आप लोग अभी भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या फिर भाई बिकॉज काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसमें इतना ज्यादा डिले हो गया कि अब उनका मन भी नहीं कर रहा इस मूवी को देखने के लिए, तो आप लोग इसके बारे में मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो कि आप लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 4 की, तो निकल कर आ रही जॉन विक चैप्टर 4 की तरफ से। इस मूवी की जो शूटिंग वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड भाई ये जो मूवी आप लोग को 27 में 2022 को देखने को मिलेगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने जॉन विक के अभी जो पिछले चैप्टर्स थे उनको देखा है, अगर देखा है तो आप लोग को ये जो मूवी है वो कैसी लगी, एंड आप लोग चैप्टर 4 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड इसके ऊपर मेरे को फ्यूचर में जो भी लाइक अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए भाई यही अपडेट है कि इसकी जो शूटिंग है चैप्टर 4 की वो स्टार्ट होगी, एंड इसकी जो पोस्ट थी इनके कैरेक्टर ने खुद शेयर करी थी। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी की तरफ से। इस मूवी की जो शूटिंग है उसको स्टार्ट कर देगा, एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन भाई इसके डायरेक्टर ने खुद अपनी पोस्ट को शेयर करके बताई थी। सो आप लोग लाइक इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड भाई इसके ऊपर लाइक मेरे को जो भी डिटेल पता चलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए भाई ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला बिकॉज ये अभी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन जैसे जैसे लाइक अपडेट मिलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। वैसे ये जो मूवी है आप लोग को 8 जुलाई 2022 को देखने को मिलेगी, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आप लोग की जो मूवी है वो थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। सो बात करते हैं भाई अपडेट नंबर 6 की, तो निकल कर आ रही लॉक इन की वेब सीरीज के सीजन 2 की तरफ से। इसके सीजन 2 का जो वर्क है वो भाई खत्म हो चुका है, एंड अब से भाई इस सीरीज का हिंदी डबिंग का वर्क स्टार्ट होना बाकी होगा बिकॉज ये सीरीज इंडिया में हिंदी डब भी रिलीज होती है। तो आप लोग बताना आप लोग इस सीरीज के सीजन 2 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड भाई इसके जो रिलीज अभी निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग भाई आप लोग को लॉक इन की वेब सीरीज का जो सीजन 2 है वो अक्टूबर के मंथ तक देखने को मिल सकता है, बिकॉज भाई नेटफ्लिक्स ने लाइक ये हिंट दिए थे कि आप लोग ये जो वेब सीरीज है वो 2021 में देखने को मिलेगी, मतलब कि भाई अक्टूबर के मंथ तक आप लोग को इस सीरीज का सीजन 2 देखने को मिल सकता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। बाकी मेरे को लाइक फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए भाई आप लोग इसी अपडेट पर स्टे कर सकते हो। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 7 की, तो निकल कर आ रही द बॉयज वेब सीरीज की तरफ से। आप लोग को बताया भाई अभी जो रिसेंटली आप लोग को एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया था वो था भाई सोल्जर बॉय का, जो कि भाई काफी ज्यादा कैप्टन अमेरिका जैसा लग रहा था। एंड अभी भाई रिसेंटली अपडेट निकल गया है कि आप लोग को उसके साथ साथ 3 नए और सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो आने वाला सीजन है द बॉयज का भाई काफी ज्यादा लाइक धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग बताना कि आप लोग लाइक इस वेब सीरीज के अगले सीजन के लिए कितना ज्यादा वेट करो, एंड आप लोग के हिसाब से भाई उसकी क्या स्टोरी हो सकती है नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 8 की, तो निकल कर आ रही द लास्ट किंगडम वेब सीरीज के सीजन 5 की तरफ से। इस सीरीज के सीजन 5 का जो शूटिंग का वक्त तो भाई खत्म हो चुका है, एंड भाई अब ये जो वेब सीरीज अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में जाने वाली है, एंड इसमें भाई काफी ज्यादा लाइक अभी टाइम लगेगा। एंड ये जो वेब सीरीज है आप लोग को नेक्स्ट ईयर अर्ली 2022 में देखने को मिल सकती है, एंड ये सीरीज का लास्ट सीजन होने वाला है। आप लोग बताना कि आप लोग को ये वेब सीरीज कैसी लगी एंड सीजन 5 में क्या स्टोरी हो सकती है। सो इस वीक की भाई स्ट्रेंजर अपडेट में इतना ही। मेरे को पता है एक दो अपडेट जो छुट्टी होंगे उनको भाई नेक्स्ट वीक कवर कर देंगे, या फिर जो लाइक सेपरेट वीडियो बनाना होगा उस पर भाई सेपरेट वीडियो भी कवर कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी लाइक मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने लाइक थॉट्स को शेयर करते हैं या फिर जो अपडेट्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। एंड
में मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, बिकॉज भाई कभी कभी मैसेज नीचे चले जाते हैं, दैट्स वाई इंस्टेंट रिप्लाई नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी मैं भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप लोग को लाइक कोई भी अपडेट अगर शेयर करनी है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक मेरे को जो भी लाइक मूवी या सीरीज की अपडेट मिलेगी मैं आप लोग को ऐसे अपडेट करता रहूँगा। एंड अगर आप लोग को लाइक ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिटिल थिंग टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।